देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज़। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में धन कुबेरों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को बैसनाथ गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह के दो आवासों पर दबिश दी, जहां पर शुरुआती जांच में 11 करोड़ की संपत्ति सामने आई है। महिला सरपंच के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। रीवा जिले के हुजूर तहसील के बैसनाथ गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह के खिलाफ लगातार अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद मंगलवार को 20 सदस्य की दो टीमें बनाकर दो आवासों पर कार्रवाई की गई। लोकायुक्त की टीम ने जब छापेमारी कार्रवाई की तो 11 करोड़ की संपत्ति सामने आई। लोकायुक्त पुलिस ने सरपंच के बैजनाथ गांव और गोरहगढ़ स्थित शारदापुरम के आवास में एक साथ कार्रवाई की। बैजनाथ गांव में एक एकड़ में आलिशान बंगला बना हुआ है, जिसमें स्विमिंग पूल भी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सरपंच 30 गाड़ियों के मालकिन हैं, जिनमें JCB, डंपर सहित क्रेशर, मिक्सर मशीन, ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो सहित कई वाहन शामिल हैं। साथ ही सोने चांदी की जेवरात, कुछ बीमा पॉलिसी और 36 भूखंड मिले हैं। कुछ संपत्तियां परिवार वालों के नाम पर हैं, जिनकी जांच की जा रही है। लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है, जिसके बाद और भी बेनामी संपत्ति सामने आ सकती है। ये बैजनाथपुर गांव हुजूर तहसील की सरपंच है सुधा सिंह, इनके खिलाफ शिकायत मिली थी अनुपातहीन संपत्ति की। जांच पर से जब प्रमाणित शिकायत हुई, उस पर से फिर जो है न्यायालय से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट किया गया, और आज करीब दो टीमों के द्वारा जो है इनके निवास पर जो है छापे की कार्रवाई की गई। इसमें जो है करीब 30 करीब बड़े वाहन मिले हैं, जो जिसमें JCB मशीन है, चेन माउंट है, लोडर मशीन है, और टैंकर हैं, पानी के टैंकर हैं, हाईवा डंपर इस टाइप के वाहन मिले, स्कॉर्पियो है, बुलेरो है, और करीब 36 से करीब भूखंड मिले अभी तक। बाकी अभी सर्च वर्किंग चल रही है लगातार। हाँ, इसमें जो है अभी तक जो करीब जो ज्वेलरी है करीब 20 लाख के आसपास की ज्वेलरी, और इन्वेंट्री जो बनी है आवास की करीब 20 लाख रुपए की इन्वेंट्री, जो 36 भूखंड है इसमें से 12 भूखंड की रजिस्ट्री मिली है, वो करीब 80 लाख रुपए की करीब मिली है। बाकी भूखंडों की अभी जानकारी ली जा रही है। संपत्ति लगभग जो है अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 11 करोड़ के ऊपर की करीब। इनकी प्रॉपर्टी तो जो इनका बैजनाथपुर गांव के आसपास की लगी, जहाँ के मूल निवासी कोटरा गांव है, और इनका जो है एक गुड़हर में निवास मकान है और एक बैजनाथपुर में मकान है।